दीदी 19 में हाफ था, 21 में पूरा साफ हो जाएगा, साफ साफ पूरा साफ हो जाएगा। दिन में चंडी पाठ करता है और रात को टोपी पर हजन पड़ता है। टोपी वाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो दो मतलब नहीं चलेगी। मोदी जी जिस बात इश्तेहार में देता है 370 धारा कश्मीर में उड़ दिया है, और कांग्रेस का दम है छाती में, मोदी का दम है तो उसको रोक लो। बोलता है खेला होगा, लेकिन हमारा मोदी जी बोलता है परिवर्तन होगा। इधर ही सोच देखो किसका कैसा है। आखिरकार बंगाल का मूड है वो है क्या? कुछ लोग हैं उनसे शुरुआत करते हैं, मन इस बार क्या है, बंगाल क्या सोच रहा है, क्या तकदीर इस बार बंगाल लिखेगा? बंगाल तो मोदी का फेवर में ही तकबील लिखने वाला है, तो ये तय हो चुका है। जो ममता दी जा रही है और मोदी जी आ रहे हैं, ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, 2-3 लाख लोग है इधर, ये तो सिर्फ कॉन्टाई सब डिविजन वाला ही लोग है। यहाँ तो पूरा ईस्ट मिन्नापुर तो आएगा तो मैट में नहीं लोग रह पाएगा। हम लोग ये जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बात बताइए, आप पहले से बीजेपी के लोग रहे हैं या अब आपने अपना बदलाव कर लिया है? पहले किसी और पार्टी के साथ जुड़े थे, आप टीएमसी छोड़ के या दूसरी पार्टियों को छोड़ के मोदी जी के साथ जुड़े? नहीं नहीं, हम तो 2004 साल से बीजेपी का पार्टी मेंबर है, मेरा फादर भी 84 से पार्टी मेंबर है। हम लोग बहुत साल 10 साल बीजेपी कर रहे हैं, हम लोग आधी बीजेपी। सवाल तो यही, आप तो सब पहले से बीजेपी में थे तभी आप यहाँ पर हो, यानी ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता? हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता है। आप बताइए, दीदी का जो कड़मानी है, कैला पाचार है, गरीब पाचार है, लेकिन पाथर पाचार है, बालू पाचार है। दीदी ने क्या किया ना, भाईपो ने, उसका भाईपो में भतीजा ने सब कुछ लूट लिया। लेकिन मेदिनीपुर वाला वो समझ लिया, सोच लिया, लेकिन दीदी आगे चलो, मोदी जी आ जाओ, मोदी जी का स्वागत कर लिया, कॉल कर लिया। दीदी तो भारी बता रही है मोदी जी को, चला जाएगा दीदी, गुजरात बना देंगे बंगाल। नहीं दीदी, चला जाएगा वो, जाएगा। अगर इंडिया में मोदी जी बाहरी है तो ईस्ट मिन्नापुर में ममता भी बाहरी है। दीदी तो खेला खेल रहा है ना, यहाँ के युवक का जो भविष्य के लिए खेल खेल रहा है, यहाँ का जो लड़की लोग है उसका इज्जत के लिए खेल खेल रहा है, यहाँ के किसान का जो किसी का जो फसल के लिए खेल खेल रहा है, यहाँ का कोई आदमी का कोई कुछ नहीं है इधर में, सब कुछ हो रहा है। ये हिंदू का मेनली हिंदू का जो आस्था है उसी के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री राम से दीदी को डर लगता है? आप बाहर बोलोगे दीदी पकड़? नहीं, जय श्री राम, दीदी चलो, वो नौटंकी नहीं चलेगा दीदी का नौटंकी नहीं चलेगा, लगेगा तो दाहिने पैर में, वो बंदा है तो बाएं पैर में लगा है। ममता दीदी दे 2019 में बोला था, 2019 में जे 2019 बीजेपी अबे फिनिश, हम बोले थे दिल्ली प्रधानमंत्री गदी एबारो चाहिए नरेंद्र मोदी, भारतवासी दरकार आबारो एक बार उन्नयन कांडारी मोदी सरकार, जतई करो ভারতবাসী যত নরেন্দ্র মোদী নিন্দা মমতা আর বেশি দিন থাকবে না তোমার বার বার অন্ত ক্ষমতা। এবারে কবিতা লিখেছি গেরুয়া, বলিয়ে হিন্দি বলিয়ে বাংলায় আমি লিখেছি, গেরুয়া ঝড় আসছে তেড়ে অত্যাচারী তৃণমূল পালাবে এবার বাংলা ছেড়ে, অসহায় বাংলার মানুষকে বোকা বানিয়েছে মমতা, এইবার বাংলার জনতা বিজেপিকে দেবে ক্ষমতা, ট্রিপলটি সন্ত্রাসবাদী তোলাবাজি ট্যাক্স দল তৃণমূল, অসহায় বাংলার মানুষ তোমাদের করবে এবার নির্মূল, এনআরসি নিয়ে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে রেখেছ মমতা। মতলব বতা দো, মতলব বতা দো হিন্দি মে। এনআরসি কে লিয়ে জনগণ কো মানে ধোকা দিয়া হয়, জনগণ কো ধোকা দিয়া হয় মমতা নে, ভুল বোঝা, ইসকা পাল্টা জবাব দেগা এ বিধানসভা মে, বাংলা কা অসহায় বাংলা কা জনতা। আর ঠিক আছে ঠিক আছে, 2021 বিধানসভা ভোট মনে রেখো তৃণমূল, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করবে তোমাদের এইবার নির্মূল, জেনে রেখো মমতা তৃণমূলের মৃত্যু ঘণ্টা বাজাবে। আপ বাতাইয়ে কহাঁ সে আয়ে হ্যায় অর ক্যা কহেঙ্গে আজ, ক্যা নজর আয়া প্রধানমন্ত্রী মোদী কি র্যালি? দিদি 19 মে হাফ থা, 21 মে পুরো সাফ হো জায়েগা, সাফ সাফ পুরো সাফ হো জায়েগা। দিদি বঙ্গোপসাগর মে দিদি সাফ হো জায়েগা, চলা জায়েগা, সাফ হো জায়েগা। দিদি বাংলাদেশ মে জো আদমি আয়া থা, বাংলাদেশ মে জো বুদ্ধির মেশিন কিয়া খরিদ কিয়া থা, দিদি দিদি 30 কোটি কো 30 কোটি কা মোদী কা এ কিয়া থা, বুদ্ধির মেশিন দিদি কিয়া কিনা খরিদ কিয়া থা। ओ मोदी का मंची छोड़कर चली गई थी जय श्री राम के नारे से। दीदी ने कहा हमारा बेइज्जती होता है, जय श्री राम बोलने से दीदी को डर लगता है, इसीलिए आदमी सारा नंदीग्राम को हिला डालता है, नंदीग्राम का उरा टेंगरी खड़ा हो गया, उसका टेंगरी नंदीग्राम के खड़ा हो
उसका केंद्रीय चौधरी क्रम के खड़ा हो गया, वो अभी बस बोंगो बोसर के गिर गया है। वो अभी एक ममता दीदी हिंदू का पाठ पढ़ती है, चंडी का पाठ पढ़ती है, हिंदू धर्म की बहुत जय जयकार। वो भाव दिखाने के लिए, वो जनता को दिखाने के लिए, वो उसका कोई ये नहीं है, वो खेल खेलता है, खेला है, खेला है, खेला ही उठेगा, खेल खेल रहा है, वो मेदिनीपुर का कभी बोलता है हम इसका गांव का लड़की है, किसी का बोलता है हम गांव का पीसी है, किसी का बोलता है हम इसका दूधी है। उसका दिया पूरी मंदिर में है, उठने नहीं दिया, पूरी भगवान पूरी मंदिर में है, दीदी को ऊपर जाने के लिए नहीं दिया। क्यों? दिन में चंडी पाठ करता है और रात को टोपी पर आजन पड़ता है। टोपी वाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दो मतलब ही नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा, अब एक एक मतलब ही चलेगा जी, जो सब धर्म की बात करे। हाँ, सब धर्म की बात करे, सर्व के सबके उपकार के लिए। हम लोग का जो दादा है इस बार एकुश जो आएगा वो हम लोग के लिए सोचेगा, वो हम लोग के जो अभी इश्तेहार दिया है, हमारा दादा इश्तेहार जो दिया है, हम लोग 8 साल का लड़की और पीसी क्या बोला था, 25,000 के लिए देगा। वो क्या दिया है हमारा दादा देगा, 2 लाख करके दिया है, 2 लाख देगा इस बार जो क्षमता आएगा। और पुरोहित कीर्तन अदर बोले 3,000 भत्ता कर दिया है, वो अभी वोट चुराने के लिए बोलता है। अरे पैसा ही पैसा बटेगा अब जनता में, ममता दीदी कह रही है। हाँ, वो भरोसा नहीं है क्या? ऐसी भरोसा नहीं है, वो 10 साल था किसको वो 10 साल था किसको किया है? कोलकाता को पहले बोला था, जब क्षमता आना था तब बोला था जो हम कोलकाता को लंदन बनाएगा, वो साला दुष्कृत का अंडर बनाया, अंडरग्राउंड बन गया, अंडरग्राउंड बन गया, लंदन नहीं बना, नहीं बन गया। हम लोग का पोटासपुर में तापस माजी को ये दिया है, सेल्टर दिया है, वो वहाँ आतंकवादी का सिक्का लिया है वो। अच्छा, उसका अभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बनाना था, क्या बना दिया क्या? आप बताइए क्या कहेंगे आज, क्या बोलेगा उसको? वो तो ऐसे ही है, कार्ड मनी खाता है, दूसरा आदमी को पास पैसा लेता है, ऐसे ही काम करता है, इसीलिए ऐसे ही हालत है उसका। अभी देखो उतनी भीड़ आई है, ये सिर्फ दिखावा है या वोट में भी तब्दील होगी? वोट में है ना भाई, ये जय श्री राम का आदमी है, झूठा नहीं बात करता है। वो चोरी चुप के आदमी को उठा के लेके आता है, वो दिखाता है जनसभा में मेरा आदमी ज्यादा है, लेकिन ये तो रियल है, ये तो रियल है ना। सब खुद आए तो खुद आए, अपना खर्चा से आया है, सब जगह के कार्ड मनी लिया। पुकुरकुला में मेरा चाकरी का 2 लाख रुपया लिया था, इसमें पूरा खा लिया नांडू प्रधान। जो भी काम कराना है जेब में पैसा डाल दो। जब मैं करता है तो पैखाना घर आता है 1,000 टका कार्ड मनी लेता है, पुकुरकुला में 5,000, घर आता है तो मोदी जी का उसमें लेता है 10,000 रुपया। कोई तुम तो बैग लेके चलते होगे पैसों का। भाई मेरे जेब लूट गया, हम तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गए, हम तो लूट गया, बर्बाद कौन करेगा? मोदी जी, जय श्री राम। कहीं मोदी भी वोट लेके फुर हो जाए? नहीं, मोदी जी जो बात, मोदी जी जो बात करता है, मोदी जी अच्छा आदमी है, इसलिए 5 साल दे के देखो। हाँ, मोदी जी जिस बात इश्तेहार में देता है 370 धारा कश्मीर में उड़ दिया है, और कांग्रेस का दम है छाती में, मोदी के दम है तो उसको रोक लो, छाती के दम जिसमें है उसको वोट। हाँ, 370 धारा उड़ दिया, कोई ताकत नहीं वाला है, और उसके में सीना में जो ताकत है हनुमान के कोलिजा है, उसको जाएगा कोलिजा, टीएमसी के कोलिजा छीड़ के खा लेंगे हम लोग इस बार जब जीतेगा। इतना टाका ले लिया, हनुमान का कलेजा है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का कलेजा है इतना बड़ा। लेकिन दीदी का वर्चस्व है भैया, खड़ा खेला हो गया, नीचे पा खा गया, पा मेरा पैर तोड़ दिया, वोट दे दो, शेष हो गया, वो लूट गया, वो पूरा लूट गया, आप लोग देख रहे हो। खेलने से पहले ही बैठ गया, मतलब वो सोच लिया मैं हार जाएगा तो फालतू उतार के मैं क्या फायदा। अच्छा, ये क्या लिखा है? एबार असली परिवर्तन होगा, असली परिवर्तन होगा, 300 से 200 पे जाएंगे, 200 की 220 पाएंगे, 250 इतना लोग का ताकत है मन में, कहीं खेला हो जाए ना, हो जाए, हमें प्रस्तुत है। वो लोग बोलता है खेला होगा, लेकिन हमारा मोदी जी बोलता है परिवर्तन होगा। इधर ही सोच देखो किसका कैसा है, परिवर्तन पे चल रहे हैं, खेले पे नहीं, हम लोग परिवर्तन पे चल रहे हैं। अभी वो देखो, वो बोलता है खेला होगा, खेले का मीन्स क्या है, क्या
क्या है, लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा है, वो लोग यही चाहता है। युवाओं को लड़ाई झगड़ा नहीं, नहीं चाहिए, हम लोग आगर चार मोहब्बत रोजगार बस यही चाहिए हम लोगों को। डाक देता जनता नंबर ना छोड़ेगा ममता, छोड़ेगा ममता, क्या कहा इन्होंने, जनता नंबर ना छोड़ेगा ममता। दीदी ने नाटक किया है फूल और जो पैर में लगा है ना, नवरना अभियान में लड़का लोग को लाठी मार रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, ब्लड खून निकलते रह रहा है, उसका थोड़ा सा कैसे चोट आ गया, वो दुनिया दिखाता है व्हील चेयर में बैठ के, वो भोल लेना नहीं, भीख मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कितना जबरदस्त माहौल यहाँ पर है, लोग जो है वो यहाँ पर उतर आए मोदी मोदी के नारों से, मदीनापुर पूरा पट चुका है, लोगों का जोश आप देख सकते हैं लगातार लोगों के बीच से सच्चाई की बात करते रहेंगे। अपने सही विरोध के साथ नवीन चौहान कांत मदीनापुर हेडलाइन सेंटर।